वाला थे हमारा महंगा वाला। सबसे पहले मार क्या दी एक ही। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को, स्पेशली सब्सक्राइबर्स को, उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज फैसलाबाद चक्कर लगा है। जब फैसलाबाद चक्कर लगता है तो खाने के बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं, देसी के भी, फास्ट फूड के भी। और आज हमने प्लान किया था फास्ट फूड खाने का, तो उसमें नंबर वन तो फिर आता है चंक एंड चीज। ले जी फाइनली फैजान भाई ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और इस्माइल ने भी। आज फैजान भाई की बर्थडे है, तो आज बर्थडे बॉय को सबसे पहले विश करते हैं हम हैप्पी बर्थडे, और उसके बाद चलते हैं जी हम अंदर। थैंक यू। सबसे मुश्किल काम तो होता है मेन्यू को डिसाइड करना, और ये आप फैजान भाई के जिम्मे आया हुआ, देखते हैं क्या मेन्यू करते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा मेन्यू है चंक एंड चीज़ का, तो आप फैजान भाई आपके जिम्मे है। और जो उन्होंने शर्ट पे लिखा हुआ था वो भी पढ़े। दर हकीकत ये है दुनिया झूठी लोग लुटेरे, क्या बात है। लें जी, काफ़ी मेहनत के बाद हमने अपना मेन्यू डिसाइड कर लिया है। स्प्रिंग रोल्स ऑर्डर करने ही करने थे, इसमें से हमने स्टफ चिकन किए हैं, स्प्रिंग रोल्स। और पिज़्ज़ा में थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी है, इसके एक तो होम टाउन स्पेशल है इनका वो वाला ऑर्डर किया है, और साथ एक सुपर मैक्स इनका नया आया फ्लेवर वो किया। एक चीज़ मुझे यहाँ की एक और अच्छी लगी है कि इन्होंने यहाँ पर ये स्वीट लेयर्स के नाम से बेक शॉप भी रखी हुई है अपनी, और एक काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। नीचे तो हॉल है ही है, यहाँ पे भी सिटिंग एरिया है, और अब ऊपर भी फैमिलीज के इन्होंने सेपरेट बनाया हुआ है, वो भी जाके देखते हैं। उसका भी सुना है कि तकरीबन यहाँ भाई बता रहे थे कि 200 की कैपेसिटी है। ये ऊपर फ्लोर में इन्होंने काफ़ी अच्छी सिटिंग बनाई हुई है फैमिलीज़ के लिए, थोड़ा सेपरेट किया हुआ है, लेकिन अच्छा माहौल है ऊपर। अराउंड अबाउट 200 की कैपेसिटी ऊपर। और ऐसे ही यहाँ पर स्पेशल बर्थडे हॉल टाइप बनाया हुआ है इन्होंने। देख लें, किस्मत ऐसी होनी चाहिए कि फैजान भाई की बर्थडे थी और पूरा सेटअप हमें रेडी मिल गया बर्थडे के लिए। मेरे ख्याल से एंड पे हमें केक इधर ही ऊपर ही ले आना चाहिए, क्या ख्याल है? यस, ले आएंगे। देख लें फिर, मौजें लग गई आपकी तो, पूरा डेकोरेटेड मिल गया माहौल। हैप्पी बर्थडे टू यू। ऊपर इनका फैमिली हॉल है, और साथ उन्होंने आउटडोर सेटअप भी बनाया हुआ है, और फैमिली हॉल जैसे आपने देखा है बहुत अच्छा उन्होंने मैनेज किया हुआ है। और साथ मेन बात है, जैसे गर्मी है तो फुल चिल एसी भी है, बर्थडे हॉल भी है, ओवरऑल ज़बरदस्त। फाइनली माशाल्लाह से हमारा ऑर्डर हमें सर्व हो गया है। तकरीबन जो उन्होंने टाइम दिया था 20 से 25 मिनट, उतना ही टाइम लगा, बल्कि उससे पहले ही आ गया। और मेन हमने चीज़ रिक्वेस्ट की थी कि हमें सारा ऑर्डर इकट्ठा ही सर्व करना है, तो बाकी आप टेस्ट करते हैं, काफ़ी नए फ्लेवर्स हैं, तो बताते हैं फिर आपका कैसा टेस्ट रहा है। बिस्मिल्लाह करके जी ट्राई करते हैं सबसे पहले इनके रोल, क्योंकि ये ठंडे हो जाते हैं जल्दी, और बाद में फिर पीज़ों की बारी आएगी। ये इनकी स्पेशल सॉस होती है रोल्स के साथ। जबरदस्त जी, आप ट्राई करते हैं इनका होम टाउन स्पेशल। माशाल्लाह से जबरदस्त टेस्ट है और बैलेंस टेस्ट है। सबसे जो अच्छी चीज़ लगती है वो यही लगती है, जैसे चिकन है जो उन्होंने लिखा हुआ है फ्लेवर के मुताबिक, वैसा ही चिकन का टेस्ट होता है, और मज़ा आ रहा है खाने का, स्पेशल ये जो उनका होम टाउन स्पेशल खाने का। और इसके बाद बारी आने वाली है सुपर मैक्स की, और बाकी रोल तो होते ही इनके अच्छे हैं, और आज भी माशाल्लाह से अच्छे ही मिले हैं, तो आप पास हुए हैं आज। बाजू माँ अगर आप देख रही हैं, आप पास नहीं हुई। लें जी, अब बारी है इनके सुपर मैक्स फ्लेवर को ट्राई करने की, और इसे थोड़ी मुझे अचारी टाइप भी खुशबू आ रही है। मेन बात है कि पिज़्ज़ा वही अच्छा होता है जिसके साथ आपको कोई भी चीज़ खाने की ज़रूरत ना पड़े, जैसे केचप वगैरह हो जाए या कोई सॉस, चिली सॉस वगैरह, हॉट सॉस, तो जो होम टाउन खाया पहले उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी।
सीन वही है, जैसे इनका नाम है सुपर मैक तो थोड़ा स्पाइसी टाइप था, लेकिन जैसे खुशबू आ रही थी अचार की वैसे ही थोड़ा अचारी टाइप टेस्ट है। लेकिन मेरे नंबर सबसे ज़्यादा होम टाउन के लिए हैं, बहुत अच्छा बैलेंस फ्लेवर्ड पिज़्ज़ा है और रोल तो फिर ज़बरदस्त। अब जैसे कि हमने इसका रेगुलर साइज़ ऑर्डर किया था तो देख लें माशाल्लाह से फिर भी कितना ये फिल्ड है, चीज़ चिकन पता चलता है कि चीज़ बंदा खाने लगा है। देखें माशाल्लाह से ऑलमोस्ट जो इनका ये सिस्टम है ये सारा लेयर से थोड़ा लेयर्स बेकरी की तरह ही लगा है मुझे। तो मैंने प्लान किया था नटीला संडे का, लेकिन यहाँ पे जो भाई हैं वो हमें कह रहे हैं कि ये खाएं मिल्क, क्या इसका नाम है भाई, थ्री मिल्क कहते हैं, बाकी सारा कोई भूल जाएंगे। तो भाई चलो आपके कहने पर आज फिजान भाई भी आप देख लें जाते जाते आप तैयार हो ही गए हैं। मैंने कितने को प्यार से आप वो कहा था, आपने कहा चले ठीक है चलते हैं, जबरदस्त हो गया। बेसिक फैमिली को लेने आए थे और साथ फिजान भाई का भी प्लान बन गया और एक दफा कहने पे ही मान गए हैं, तो आप चलते हैं जी वापिस हाफिजाबाद। One hour later. लें जी फाइनली हम फैसलाबाद से हाफिजाबाद पहुंच चुके हैं और अब बर्थडे सेलिब्रेट होने लगी है। एक तो फिजान भाई की थी और दूसरी है रहील भाई की, सेम डेट है और अब आपको दिखाते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन। चलें जी पहले बच्चे दिखाएंगे गिफ्ट्स जो उन्होंने दिए हैं। सबसे पहले मात कैदी नंबर 402 हैप्पी बर्थडे है, और उसके बाद आ गया है अफदर आपसे, और ये मिनाल खोल के दिखाओ और आप यहाँ बताएं गिफ्ट्स का क्या करने वाले हैं। सेव करूंगा। सेव करेंगे, ठीक हो गया। और विदान भाई आपको क्या गिफ्ट मिला? खाली याद है। चले सबसे अच्छा गिफ्ट दिया है इमाद ने अपने पापा को, जो बहुत मेहनत से बनाया। कितना टाइम लगा था इमाद? कितना टाइम लगा था? वेरी गुड, अच्छी बात, आप झूठ नहीं बोल रहे। अल्लाह हाफिज़।